हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम सभी के पास लगभग एक मोबाइल फ़ोन तो होता ही है, और हमारा जो मोबाइल फ़ोन होता है उसमें फ्रंट कैमरा भी दिया होता है। और दोस्तों, यदि मैं आपसे पूछूं कि आप अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे का क्या यूज़ करते हैं, तो आप सभी का एक ही जवाब होगा कॉमन सा, कि हम अपने मोबाइल फ़ोन के कैमरे का यूज़ करते हैं फ़ोटोज़ लेने के लिए, वीडियोज़ रिकॉर्ड करने के लिए, और इससे ज़्यादा हम अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे का क्या यूज़ करेंगे। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि आपके मोबाइल फ़ोन में जो फ्रंट कैमरा होता है उस पर एक ऐसी कमाल की हाई लेवल की सीक्रेट खुफिया सेटिंग छुपी हुई होती है, जिसके बारे में शायद ही है कि आपको पता होगा, और शायद ही है कि अभी तक आपको इसके बारे में किसी और ने बताया होगा। दोस्तों, यदि आप इस सेटिंग को अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे के अंदर यूज़ करते हो, तो यहाँ पर दोस्तों इस सेटिंग की मदद से आप अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से ऐसी ऐसी कमाल की चीज़ों को कर सकते हैं, जो कि दोस्तों जानकर आप एकदम चौंक जाएंगे, आश्चर्य में आ जाएंगे कि हमारे मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे से ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो ऐसे में दोस्तों, अगर आप भी जानना चाहते हैं कि कौन सी है ये सेटिंग जो कि आपके मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे पे दी होती है और आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होती है, तो सब कुछ इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ। बिना स्किप करे शुरू से लेकर लास्ट तक इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाइक बटन होता है, उसको दबाकर वीडियो को जरूर से लाइक कर दीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो वीडियो के नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन होता है, को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ में इस घंटी वाले बटन को जरूर से दबा दीजिए और ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए। इससे क्या होगा कि जब भी कोई नई वीडियो आएगी तो वो आप सबसे पहले देख पाएंगे। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों, सेटिंग को अपने मोबाइल फोन के फ्रंट कैमरे पर यूज करने के लिए सबसे पहले आपको आपके मोबाइल फोन पर एक एप्लीकेशन को डाउनलोड करने की जरूरत होगी। तो यहां पर आप मेरे फोन पर देख पाएंगे कि यह है वो एप्लीकेशन। तो पहले मैं इस एप्लीकेशन का आपको यूज बता देता हूं, इसके अंदर आपको क्या क्या सेटिंग करनी होती है ये बता देता हूं, इसके बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे और कहां से इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फोन पे डाउनलोड कर पाएंगे। तो जब आप इस एप्लीकेशन को पहली बार इस तरह से ओपन करेंगे, तो यहां पर यह एप्लीकेशन आपसे कुछ परमिशन को अलाउ करने के लिए कहेगी। तो एक एक करके ध्यान से सभी परमिशन को आपको अलाउ करना है। तो देख सकते हैं इस तरीके से लिखा है, इंट्रूडर डिटेक्शन, आपको इसको इस तरीके से ऑन करना है, ओके बोल रहा है, ओके कर देना है, एक्टिवेट दिस डिवाइस, इसको एक्टिवेट कर देना है। बस ये एप्लीकेशन अपना काम करने के लिए पूरी तरह से रेडी है। अब मैं आपको बता देता हूं कि ये जो एप्लीकेशन है आखिर काम क्या करती है। दोस्तों, यहां पर दोस्तों बहुत बार ऐसा होता है कि हम हमारा जो मोबाइल फोन होता है उसको कहीं पर रखकर भूल जाते हैं, कहीं पर हमारा मोबाइल फोन छूट जाता है, या मान लीजिए हमारा जो मोबाइल फोन है वो चोरी हो गया है, गुम गया है, और उस बीच दोस्तों किसी को हमारा मोबाइल फोन मिलता है और वो व्यक्ति हमारे मोबाइल फोन के अंदर गलत पासवर्ड डालेगा, उसको अनलॉक करने की कोशिश करता है। देख सकते हैं, मैं आपको बता देता हूं, यहां पर देखिए मैं गलत पासवर्ड इसमें डाल रहा हूं इस तरीके से। एक बार मैंने इसमें गलत पासवर्ड डाल दिया है, अब देखिए यहां पर मैं इसमें सही पासवर्ड डालता हूं। ये देखिए, यहाँ पर मैं इसमें सही पासवर्ड डालता हूँ, तो देखिए यहाँ पर मैं इसको इस तरीके से नोटिफिकेशन पैनल को नीचे करा, तो यहाँ पर दिखा रहा है वन रॉन्ग अटेम्प्ट। तो देखिए यहाँ पर ये जो सामने वाले जिस भी पर्सन ने हमारे मोबाइल फ़ोन को अनलॉक करने की कोशिश की है, इस पर छेड़ करने की कोशिश की है, तो यहाँ पर उसका फोटो विथ लोकेशन आपको यहाँ पर दिखा देगा, वो भी आपकी जो ईमेल एड्रेस होती है वहाँ पर ये जो फोटो है उसको ये पहुँचा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर आप अपने मोबाइल फ़ोन का फ्रंट कैमरे का यूज़ करके इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं, जो कि दोस्तों आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा काम की होगी। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ कि किस तरीके से आप अपनी ईमेल एड्रेस पर सेटिंग को कर सकते हैं, ताकि ये जो फोटो है, लोकेशन है, आपके ईमेल एड्रेस पर भी जाए। तो इसके लिए आपको उस एप्लीकेशन पे आ जाना है। एप्लीकेशन पे आने के बाद यहाँ पर आपको इस एप्लीकेशन में राइट साइड में ऊपर की तरफ में सेटिंग वाला ऑप्शन दिखता है, देख सकते हैं, तो सेटिंग पे आपको टच करना है, नीचे की तरफ में आना है। यहाँ पर देखिए लिखा है गूगल ड्राइव बैकअप, तो आपको यहाँ पर इस तरीके से ऑन करना है। जैसे ही आप ऑन करेंगे तो आपके मोबाइल फ़ोन की जो भी आईडी है, ईमेल आईडी होती है, वो इस तरीके से ओपन हो जाएगी। तो आपको आपकी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर लेना है। जैसे ही आप अपनी ईमेल आईडी सेलेक्ट कर देंगे, तो यहाँ पर आपका मोबाइल फ़ोन कोई भी आपकी गैर मौजूदगी में ताक झाँक करने की कोशिश करेगा, उसमें आप गलत पासवर्ड एंटर करेगा, तो उसका तुरंत ही वो फोटो विथ लोकेशन आपकी ईमेल एड्रेस पर पहुँचा देगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने मोबाइल फ़ोन के फ्रंट कैमरे का यूज़ करके इस सेटिंग को इनेबल कर सकते हैं। तो चलिए अब मैं बता देता हूँ किस तरीके से इस एप्लीकेशन को आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर डाउनलोड कर पाएंगे। तो इसके लिए दोस्तों फिलहाल आप ये जो वीडियो देख रहे हैं, वीडियो के नीचे वीडियो का ये नाम लिखा होता है टाइटल, वीडियो के नाम पर टाइटल पे इस तरह से टच करना है, नीचे की तरफ में आना है, यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिलेगा डाउनलोड ऐप, नीले कलर की आपको एक लिंक दिखाई देगी। तो जैसे ही आप इस नीले कलर की लिंक पर टच करेंगे, तो ये जो एप्लीकेशन अभी मैंने आपको बताई, इसको डायरेक्टली आप अपने फ़ोन पर डाउनलोड कर पाएंगे। तो अभी के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।